चलिए नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर। आज हम लोग बात करेंगे दक्कन दंगा विद्रोह के ऊपर में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 12वीं कक्षा का जो इतिहास है उसके 10वें चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो ये इस चैप्टर की अगर बात कर ले तो अंतिम वीडियो सीरीज है और इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं दक्कन दंगा विद्रोह। तो दक्कन दंगा विद्रोह के साथ ही आपका जो 10वां चैप्टर था वो अंत होने वाला है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो सीरीज में जो है 11वां जो चैप्टर है जिसमें हम लोग खास कर करके विद्रोही और राज्य है उसके में हम लोग पढ़ेंगे। पहले उसका हम पृष्ठभूमि आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद आपका टॉपिक्स। तो चलिए आइए हम लोग दक्कन दंगा के ऊपर में देखते हैं। फाइनली कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, सबसे पहले टाइटल एक समझिए, ये टाइटल है कि लेखा बहिया। याद रखेंगे जो खाता बही उसको कहते हैं लेखा, और लेखा बहिया जला दी गई। अब ये क्या है भाई, किस तरह का लेखा बही है, क्यों जलाया गया, और इसको समझेंगे तब उसके बाद दक्कन दंगा आपको समझ में आएगा। चलिए ध्यान सुनेंगे, कहते हैं कि एक घटना सामने आता है सर, ये घटना है पूना जिले की। याद रखना है आपको पूना जिले, अगर उस समय में भारत की बात कर ले तो ये जो आप भाग देख रहे हैं गुजरात और ये जो महाराष्ट्र है, ये सब जो भाग है सर जी, ये दक्कन का भाग था। और ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा भाग है जिसको कहते हैं बम्बई, और बम्बई तो आजादी के बाद में बट करके शायद 1960 के आसपास में गुजरात और महाराष्ट्र दो अलग राज्य होते हैं, लेकिन इस टाइम में ये बहुत बड़ा भाग है जिसको कहते हैं बंबई, और बंबई का जो भाग है सर वो दक्कन का भाग है। तो दक्कन के भागों में बंबई में याद रखेंगे एक जिला है जिस जिला का नाम है पूना, और पूना गांव में याद रखेंगे स्थित एक बड़ा गांव है, सॉरी पूना जिला में स्थित एक बड़ा गांव है जिस गांव का नाम है सुपा। अब इस सुपे की कहानी आप पहले आप समझेंगे, सुपा में क्या हो रहा है। सबसे पहले सुपा को समझेंगे कि ये पूना का एक बड़ा सा गांव है, और यहां पे क्या है कि ये याद रखेंगे ये विपणन का केंद्र है। विपणन केंद्र का मतलब यहां सौदेबाजी होते हैं, ये एक मंडी है, बाजार का जो मंडी होता है ना छोटा, तो उसी तरह से ये एक मंदिर था जिसको बुक्स में लिखा जाता है ये विपणन केंद्र है। अब ये विपणन केंद्र वाले जो एरियास थे, यानी ये बड़ा सुपा जो इलाका है, यहाँ पे कहते हैं इन विपणन केंद्रों में खास करके व्यापारी और साहूकारी लोग रहते थे, व्यापारी और साहूकार लोग रहते थे। व्यापारी का मतलब है कि जो खास करके ग्रामीण इलाका से अनाज वसूल के ले करके आएंगे और फाइनली दूसरे जगह पे ले जाके बेचेंगे। साहूकार कौन होते थे, तो साहूकार वो हैं जो इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसे देते थे। लेकिन अभी यहाँ आपको साहूकार का मतलब समझेंगे कि यहाँ पे जो बंगाल याद आ जा रहा है, ये जो दक्कन के एरिया में जो साहूकार है सर, ये केवल पैसे ही नहीं देते हैं बल्कि याद रखेंगे ये व्यापारी भी करते हैं। तो यहां का जो साहूकार लोग हैं वो ब्याज पे पैसे भी देते हैं और साथ साथ व्यापार भी करते हैं, तो ये याद रखेंगे। और कहते हैं कि ये जो इलाका था ना विपणन केंद्र, वहां पे व्यापारी और साहूकार लोग रहते हैं। कहते हैं कि एक डेट है इसको आपको याद रखना है, 12 मई 1875। ये 12 मई 1875 इस दिन हुआ क्या इसको समझेंगे। कहते हैं कि ग्रामीण इलाका के याद रखेंगे कुछ रैयत लोग, रैयत का मतलब होता है किसान, तो ग्रामीण इलाका के जो रैयत थे ये क्या कर दिए, इन इलाकों को चारों तरफ से घेर लिए। पहले तो ये लोग काफी सारा रैयत लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, बहुत ज्यादा रैयत लोग इकट्ठा होकर करके, और जितने भी व्यापारी और साहूकारों के रहने के जो आवास थे सर, उसको चारों तरफ से इन लोग के द्वारा क्या कर लिया गया, तो घेर दिया गया। ये घटना कब की है, ये बात कब की है, तो ये बात है 12 मई 1875। और कहते हैं कि उन जो खास करके व्यापारी हैं तो इनसे लेन देन का सौदेबाजी चलेगा, साहूकार लोग हैं तो इनसे बॉन्ड पेपर वगैरह होगा जिसपे कुछ रैयत लोग जो है वो पैसे लिए होंगे। तो ये ध्यान से सुनेंगे, तो साहूकारों के पास में खाता बहिया होगी, और इसी खाता बही को लेकर के याद रखेंगे बही खाते और साथ साथ ऋण बंधो। ऋण बंधो का मतलब समझेंगे, जो बॉन्ड होता है ना सर, जिसमें एग्रीमेंट किया गया होगा कि फलाना किसान हमसे इतना रुपया इतना दिन में लौटाने के लिए इतना ब्याज दर पे वो लिया है, तो वो जो बॉन्ड है उस बॉन्ड पेपर को ये लोग क्या कर रहे हैं, रैयत लोग इन सभी के घरों को चारों तरफ से घेर कर करके, और फाइनली याद रखेंगे ये मांग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, मांग क्या कर रहे हैं, भैया हमारे खाता बही को दे दो जिसमें हमारा ऋण बंध था, जिसमें तुम जप्त के बात किए थे, जिसमें हमसे अंगूठा लगवा लिए थे, वो सब हमको क्या कर दो, दे दो। तब बताइए कि जो साहूकार अधिक पैसे अगर मान लेते अधिक ब्याज पर
रैयतों को ब्याज दर पे दिया है कुछ पैसे और उसका ब्याज दर बहुत ज्यादा हो गया है, तो जो बॉन्ड है ना सर, उस वही तो एक प्रमाण है ना कि हम पैसे आपको दिए हैं। तो वो ये लोग मांगेगा, साहूकार लोग दे देगा कि ऐसा पॉसिबल लगता है आपको, नहीं लगता है। वो लोग क्या करेगा कि एकदम बढ़िया से तिजोरी में पलंग के नीचे, तकिया के नीचे कहीं ना कहीं लुका करके रख ले होगा साहूकार लोग, जिसमें खास कर करके बात किया है भाई दस्तावेज है लिखित है तो इसका ही मान्य होगा। अब फाइनली साहूकार और व्यापारियों से रैयत लोग इकट्ठे होकर के उनके आवासों को घेर लिया और घेरने के बाद कहें जिसमें लेन देन की बात हुई थी, जिस पर हम अंगूठा लगाए थे, उस सभी ऋण बंधु को हमको क्या कर दीजिए, दे दीजिए। और कहला मांग रहा है काहे कि हमारा दे दीजिए, हम ले जाके जला देंगे। अब जब कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि साहूकार लोग और व्यापारी लोगों के द्वारा ये इनके जो ऋण बंध था, खाता बही था, ये सब नहीं दिया गया, तब ये लोग क्या किए इसको पहले ध्यान सुनेंगे। कहते हैं कि खाता बहिया को जला दिए, जलाएंगे कैसे, घर छोड़ लिए, हमला बोल दिए इन साहूकारों के ऊपर में। तो साहूकार बेचारा अपना जान बचाने को लेकर करके और कई साहूकार जो है अपना घर बार तिजोरी उजोरी सब छोड़ छाड़ करके और भाग गया। उसको लगा कि तिजोरी उजोरी में चेक चेक करेगा ये सब किसान लोग, तो जहां भी उसको छुपाने का मन कर रहा था कि तकिया दने नहीं करेगा, पलंग के नीचे कर देंगे, एने कर देंगे, छप्पर में, छानी में, ओकर एग्रीमेंट पेपर बढ़िया से रख देंगे, काहे कि ई बच जाएगा तो कहियो लौट के आएंगे तो फिर से ओकरा वसूली कर देंगे। तो ये लोग एकदम लुका उका करके अपन जान बचाने को लेकर घर बार छोड़ करके भाग गए। ये कौन भाग रहे हैं, साहूकार लोग, ठीक है। और आम जनता क्या किए कि साहूकारों का जो घर था रियतों के द्वारा, किसानों के द्वारा, उनके घरों को घेर कर करके घर में घुस करके लूटपाट किए गए। और फाइनली अब मान लेते हैं ओकरा में से केकरो बहुत सारा भीड़ है, अब जेकर मान लेते हैं कि फलाना साहूकार ओकरा ऋण बंधी रख ले था कि इतना भाई इतना दिन में पैसा तुम नहीं दोगे तो तुमको इतना मूलधन के रूप में इतना इंटरेस्ट चलेगा, और उसका ब्याज बहुत ज्यादा हो गया था, अभी आगे लोग पढ़ेंगे, तो इतना ब्याज हो गया था, इतना ब्याज, वो अपना बेचारा खाता वही खोज रहा है कि किन्ने हमर खतवा रख ले है। आज जब ओकरा फाइनली नहीं मिला जमींदार उमींदार के, ये साहूकार और व्यापारियों के तिजोरी सब में, तो वो का कर दिया, ओकर घर में जला दिया। तो ऐसी घटना हो गई। देखिए ये विद्रोह हो रहा है, इस विद्रोह को ही कहते हैं सर दक्कन दंगा विद्रोह। लेकिन बढ़िया बात यह है कि इसमें केवल खाता वही, घर उर जलेगा, लूटपाट होगा, लेकिन फाइनली आदमी नहीं मरेंगे। चलिए ये एक अच्छी बात है, अब यहां ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि जो खाता भैया थे इसको यहाँ के लोगों ने घेर करके जला दिए, और जो अनाज के जो दुकान होते थे जहाँ पे व्यापारी लोग इन ग्रामीण किसानों से अनाज को खरीद कर करके, चूंकि अभी बताएं आपको कि ये विपणन केंद्र है, यहाँ पे मंडी है, तो मंडी है तो व्यापारिक लोगों का अपना दुकान होता था राशन उशन का, कि ग्रामीण इलाका के लोग जो बेचता था उसको वो खरीद बिक्री करने का काम वो करता था। तो उनके अनाज के दुकानों को भी किसान लोग के द्वारा क्या कर दिया गया, तो लूट लिया गया। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, साथ साथ कहते हैं ध्यान में रखिएगा बात को। इसके अलावा साहूकारों के घरों को भी याद रखेंगे, ये लोग जला दिया, एक बात याद रखेंगे, साहूकारों के घरों को भी ये लोग क्या कर दिया, जला दिया। अब ये बात जो खाता वही जला देना, उनके दुकानों को लूट लेना, उनके मकानों को जला देना, इस तरह की जो ये घटना थी ये फैली कहां से थी, तो एक बड़े गांव सुपा से फैले थे। लेकिन कहते हैं कि जल्द ही ये पूना के सुपा से लेकर करके धीरे धीरे पूना से लेकर के और ये अहमदनगर तक फैल गया। ये अहमदनगर कहाँ है, तो ये अहमदनगर भी आज महाराष्ट्र में ही पड़ता है, ठीक है। तो पूना से काफी दूर अहमदनगर तक जो है इसी तरह का कुछ दृश्य होने लगा। शायद अलग अलग जगह पे भी यही हुआ होगा कि उनके खाता वही बहुत ज्यादा एकदम बरियार हो गया खूब ब्याज के साथ, और किसान फाइनली दे नहीं पाते होंगे, तो इसीलिए किसान एकदम तंग आकर करके और इन जो व्यापारी लोग थे, साहूकार लोग थे, उनके घरों को घेर करके और पहले तो वो मांग के कि हमारे खाता वही दे दो, ठीक है, हमारा ऋण बंधी जो था जिसमें बात हुआ था एग्रीमेंट वाला वो हमको लौटा दो, हम उसको जला देंगे। लेकिन जब वो लोग नहीं दिया तो उनको घरों को घेर के उनके घरों पे हमला बोल दिए गए, साहूकार लोग घर छोड़ के भाग गए, उनको घरों को जला दिए गए, ठीक है, उनके अनाज वगैरह ये सबको लूट लिए गए, जो भी धन संपत्तियां है उसको भी किसानों के द्वारा लूट लिया गया। अब यही माहौल आ रहा है। कहते हैं कि दो महीना के बाद
ध्यान से सुनेंगे, 2 महीना के बाद लगभग 65 वर्ग किलोमीटर के जो इलाका था सर, वहां तक ये फैल गया। याद रखेंगे पूना से अब दूर दूर तक इलाका, इसमें लगभग एक डेटा याद रखना है कि 65-65 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था वहां तक कुछ इसी तरह के नजारे था। और सभी जगह एक समान बातें निकल के आ रही थी कि किसान उनके घरों को जला रहा है, उनके यहाँ लूटपाट कर रहा है, उनके दुकानें लूट ले रहा है, सभी जगह एक ही तरह का सिचुएशन था। चलिए ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा कहते हैं कि इसमें 1-2 गांव नहीं 30 से भी अधिक गांव जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। अब जब यहां तक ध्यान में रखेंगे, यहां तक में अभी देखें कि कॉमन सब में क्या था कि विद्रोह बहुत दूर दूर तक हो रहा था, लेकिन सब जगह विद्रोह जो है वो एक समान ही दिख रहा था। अब ये तो आप यहां ध्यान से सुनेंगे, लूटपाट की घटना हुई, और घटना होती कब है, तो मई 1875 कौन करता है, ये किसके किसके बीच होता है, अंग्रेज के बीच होता है, नहीं साहूकार और किसानों के बीच होता है। साहूकार और व्यापारी लोग को एक वर्ग के आप रखिए, और इसके दूसरे विरोध में कौन है, तो किसान लोग है, दोनों के बीच में हुआ। आदमी पे हमला मार नहीं हो रहा है, साहूकार लोग को मारा नहीं जा रहा, केवल ये लोग कहता हमारा खाते बही दे दो, नहीं देगा तो हम भाई घर जलाएंगे, लूटपाट कर लेंगे, और वही काम ये लोग किया भी। अब ध्यान से सुनेंगे, कहते हैं कि 16 मई 1875 को, एक याद रखेंगे 16 मई 1875 को पूना जिला मजिस्ट्रेट जो थे, ये याद रखेंगे पूना के जो जिला मजिस्ट्रेट थे, इन्होंने पुलिस आयुक्त को एक बात लिखा। ध्यान सुनेंगे, इसमें कुछ डेटा है, इससे कुछ आपको इस विद्रोह का अंदाजा लग जाएगा। अब यहां पे कहते 16 मई को लिखा, हुआ कब था ये, 12 मई को हुआ था, 16 मई को यहां पूना स्थित जो जिला मजिस्ट्रेट थे ये लिख रहे हैं। ये क्या लिख रहे हैं कि जब हमने शनिवार को शाम में, याद रखेंगे एक डेट याद रखेंगे 15 मई शनिवार को जब हमने शाम में ये सुपा गांव की तरफ में जब हम आए, यानी सुपा में जब हम आए, हमारा आगमन हुआ कहां में, आगमन हुआ सर तो सुपा में आगमन हुआ। चलिए यहां पे मीटर गया है, तो कहें कि मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि हमने शनिवार के शाम में, और किस तारीख को, 15 मई के शनिवार के शाम में सुपा में आते हैं, तो वहां कहते हैं कि दर्जनों मकान जो है वो तोड़ दिए गए थे और काफी सारे मकानों को जला भी दिए गए थे, और कहीं ना कहीं वो अभी भी जले हुए जो साक्ष्य थे वो बचे हुए थे, उसको देख करके रोडों पर भी खाता भैया को जलाए गए थे, इकट्ठे कर करके इनके दुकान से सामान लूट करके ला गए थे, कई व्यापारियों के यहां जो देसी वस्त्र थे उन वस्त्रों को भी इकट्ठा करके रैयतों के द्वारा जो है उसको जला दिया गया था, और कहीं ना कहीं वो जला हुआ साक्ष्य वो दिख करके ब्याह हो सकता है कि काफी ज्यादा यहाँ पे दंगा टाइप का हुआ है। अच्छा, आपको एक बात, आपको लग रहा है कि क्या प्रशासन इस व्यवस्था में सूती हुई थी, प्रशासन नहीं आई, तो देखिए हुआ क्या था, ध्यान में रखिएगा बात को, कि यहाँ पे गांव वाले बड़ी तेज थे। ये लोग क्या किए थे गांव वाले, कि अपने में एकाध आदमी के मेल लगा देते थे कि जैसे ही थाना के तरफ से अगर कोई भी प्रशासन अगर आता है तो तुमको काम है कि जैसे वहां से चले तो तुम मैसेज किसी तरह से गांव वासियों को दे देना है, रैयतों को, कि प्रशासन की गाड़ी खुल गया है और ग्रामीण एरिया तक जा रहा है इन्हीं साहूकार के तरफ से। तो ये लोग अपने अपने काम करना शुरू कर देते थे, इस तरह के विद्रोह उद्रोह खुरपाती दंगा उंगा के फेरा में नहीं रहते थे, और जैसे ही प्रशासन हट जाता था तो ये लोग का फिर से वही काम होता था कि साहूकारों के घरों को घेर लेना है, उनके खाता बहियों से मांग करना है, नहीं देंगे तो फाइनली उनके घरों में आग लगाना, तोड़ फोड़, अनाज का गोडाउन लूट लेना, यही सब काम ये लोग करते थे। और इस दौरान कहते हैं ये लगभग ये मजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं कि जब हमने पता किया तो पता चलता है कि इसमें इस तरह के मामले में 50 जो लोग थे उनको गिरफ्तार किए गए थे। याद रखेंगे 50 लोगों को क्या कर दिए गए थे, तो गिरफ्तार किए गए थे। और लगभग ये कहते हैं कि 2000 रुपये जो है वो चोरी का जो पकड़ा हुआ माल था वो लोगों से फाइनली छुड़वाया गया। 2000 तक का जो माल साहूकारों के से लूटा होगा किसान लोग, तो उसमें ये लोग क्या किए, थाना होना वाला आदमी जो है वो छुड़वाया। लेकिन अब दो बातें यहां, एक बात ध्यान में रखेंगे, कहते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि लगभग 25,000 का जो नुकसान है वो साहूकारों को हुआ होगा। अब ध्यान सुनेंगे, ये बातें कब की है थोड़ा सा सोचिए तो सर, ये बातें 1875 के हैं। 1868 ईस्वी में दादा भाई नरोजी का एक रिपोर्ट आया था, याद आ रहा है क्या आपको, कि उस समय प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति का 20 रुपया था। तब बताओ 20 रुपया में कितना बढ़िया, एकदम लंबा दिन, एकदम लाइफलाइन खींचा जाता था 20 रुपया में, एकदम बहुत बढ़िया से। अगर आज 15,000-20,000 अगर मान लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय औसत एवरेज होता है, तो 15,000-20,000 रुपया कमा कौन रहा है, 15,000-20,000 रुपया में तो बड़ा मौज में एकदम रह सकता है कोई भी आदमी, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उस समय 20 रुपया यानी 20 रुपया भी जब बहुत चढ़ बढ़ के थे, और उस समय 20 रुपया का कितना वैल्यू था अब उतने से अंदाजा लगा सकते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि 25,000 रुपये का जो है वो नुकसान कहीं ना कहीं रैयतों के द्वारा जो है इन साहूकारों और व्यापारियों को किया गया है। लेकिन अब ये जो साहूकार लोग थे इनका कहना था कि नहीं, 1,00,000 रुपया से अधिक का जो है वो नुकसान हम लोगों को हुआ है। अब बात को समझेंगे, साहूकार लोग कह रहा है कि 1,00,000 से अधिक, मजिस्ट्रेट कह रहा है कि 25,000 के आसपास में नुकसान हुआ होगा। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे तो ये तो आपका ओवरव्यू था जो आपको एक विद्रोह का एक झलक था। अब आपको जानना है रीजन, ये आखिर जनता में ऐसा क्या हुआ कि साहूकारों के घरों को चारों तरफ से घेर लेता है और घेरने के बाद उनके बस्तियों को जलाने का काम शुरू करता है। तो आइए इसी पे हम लोग अब जानते हैं। कहते हैं ना कि ये याद रखेंगे 1860 के दशक से पहले तक, ये याद रखेंगे 1860 के दशक से पहले तक यहाँ पे ब्रिटेन है सर, और ब्रिटेन वाले क्या किए थे कि यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हो गया था तो यहाँ उद्योग धंधे तो लग गए थे, लेकिन अब इनके उद्योग धंधों में सूती वस्त्र के जो उद्योग थे इनको चाहिए था भारी मात्रा में कपास, और इन लोग भैया जनाब थोड़ा सा यूरोप वाले शुरू से ही एडवांस रहे हैं। ये लोग कंपनी तो डालते थे लेकिन रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन नहीं करते थे। ये रॉ मटेरियल दूसरे देश से लाते थे केवल अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर करके, और जो फाइनली जो प्रोडक्ट होते थे उत्पादित माल उसको भी ले जाके जहां से वो रॉ मटेरियल लाते थे उसी पर ले जाके बेच देते थे। इनका यही धंधा चल रहा था। अब इस दौरान कहते हैं कि ब्रिटेन वाले जो है वो यहां पे यूएसए है, ध्यान से सुनेंगे यहां पे क्या है, तो यूएसए है, ऊपर कनाडा है, इधर अलास्का है, नीचे मैक्सिको है, और ये यूएसए है जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये अमेरिका से याद रखेंगे ये भरपूर मात्रा में जो है कपास लाता था। मामला को ध्यान से सुनेंगे, अमेरिका से भरपूर मात्रा में कपास जो है वो आता था, यानी ब्रिटेन के उद्योग धंधा जो है वो किस पे टिके हुए थे, तो ये अमेरिका के कपास पे टिके हुए थे। कहते हैं कि लगभग यानी ब्रिटेन में होने वाले जो कपास है उसका 3/4 अगर बात कर ले तो ब्रिटेन में जो कपास का आयात होता है वो केवल कहां से होता है, तो अमेरिका से होता है। अब अमेरिका में काफी अच्छा प्रोडक्शन होता था, कपास बहुत बढ़िया होता था, और ब्रिटेन वाले इसको खरीदते थे। और धीरे धीरे मामला बिगड़ कब गया कि कहते हैं कि 1861 ईस्वी एनसीईआरटी का डेटा है, कई लोग इसको 60 भी यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, अलग बात है हम एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं। 1861 ईस्वी में कहते हैं कि अमेरिका में ना सर गृह युद्ध आ गया। याद रखेंगे अमेरिका में क्या शुरू हो गया, तो गृह युद्ध शुरू हो गया। तो जब गृह युद्ध शुरू हो गया अमेरिका में तो यहां पे कपास के जो प्रोडक्शन होता था उसका गिरावट आ गया। बात को समझेंगे, यहां कपास के उत्पादन में कमी आ गई, गिरावट आ गई। अब युद्ध के टाइम में लोग कपास प्रोडक्शन पे वहां की गवर्नमेंट वगैरह इसे फोकस नहीं कर रहे थे। अब यहां क्या हो गई भाई, ब्रिटेन के बड़े बड़े जो व्यापारी लोग हैं वो व्यापारी किस पे टिके हुए हैं, तो अमेरिका पे। अब अमेरिका का यहां प्रोडक्शन गिर गया तो कंपनी मान लेते हैं कि कंपनी चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए, और कच्चा माल अगर नहीं आएगा तो कंपनी कैसे चलाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं यहां गृह युद्ध 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध से कपास पे असर पड़ रहा है, क्या कि कपास के उत्पादन में गिरावट आई, और देखा जाता है कि जहां पे काफी अधिकांश जो कपास की पूर्ति जो ब्रिटेन में होती थी अमेरिका से, अब मात्र 3% के आसपास रह गई थी, माने बहुत कम कपास जो है वो अमेरिका से आ रहा था कहां पे, तो ब्रिटेन के पास। इस दौरान कहते हैं कि ब्रिटेन के जो व्यापारी लोग थे उनमें एकदम अफरा तफरी मच गया कि भाई कपास को लाया कहां से जाए। तभी कहते हैं कि इन व्यापारियों की नजर जो है वो भारत में पड़ती है, और भारत के वो इलाका जो दक्कन का इलाका है, दक्कन के इलाका में गुजरात है, दक्कन के इलाका में महाराष्ट्र है, ये जो भाग है दक्कन, आप सब जानते हैं कि दक्कन के भागों में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी कपास के फसलों के लिए बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो कपास अच्छा खासा जो होता है वो कहां होता है, तो काली मिट्टी पर। लेकिन देखिए अमेरिका ही थोड़ा सा जो कपास का प्रोडक्शन होता था ना सर हमारे से थोड़ा अच्छा होता था, और दूसरी बातें ये भी थी कि कहां हम भारतीय यहां इनको इस तरह से घूम करके आने में, हालांकि याद रखेंगे अगर बात कर ले स्वेज नहर की तो अभी चालू नहीं हुआ, स्वेज नहर चालू होगा 1869, हम बात कर रहे हैं कब के 1861, तो ये कैसे आएंगे, तो ब्रिटेन वाले इधर अटलांटिक महासागर होते हुए और फाइनली हिंद महासागर के रास्ते इतना लंबी दूरी तय करके ये भारत में आएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको लाने का जो खर्चा है वो ज्यादा हो जाता था, और इसीलिए डायरेक्ट अटलांटिक महासागर से इस तरह से आते थे और फाइनली इधर से लेके तुरंत माल चले जाते थे, तो इनको सुविधा होता था। अब इस दौरान हुआ क्या कि अमेरिका यहां गृह युद्ध हो गया,
ये बेचारा अपने अधूरा गया। तब यहां से फिर व्यापारी लोग आया भारत में, और भारत में आया तो देखा कि ये एरिया में बहुत बढ़िया जो है कपास का उत्पादन हो सकता है। तब ये लोग क्या किया कि यहाँ के व्यापारियों से मिला और यहाँ के व्यापारियों को बताया कि ब्रिटेन में कपास की बहुत ज्यादा जो है वो खपत है, और ब्रिटेन में कपास नहीं आ रहा है, पहले अमेरिका से आता था लेकिन अब अमेरिका में गृह युद्ध हो जाने से अमेरिका से जो कपास है ब्रिटेन में अब नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि भाई दक्कन प्रदेश के जितने भी साहूकार लोग थे और व्यापारी लोग थे, तो बड़े बड़े व्यापारी को लगा कि ये तो बहुत बढ़िया मौका है कि यहां से कपास को भारी मात्रा में ब्रिटेन से सप्लाई कर करके अब मुहमांगा एकदम अभी ओकरा जरूरत है तो डिमांड ज्यादा है तो थोड़ा सा हमको ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इसको लेकर के भारतीय जो व्यापारी थे वो कहीं ना कहीं एकदम लोभी आ गए, एकदम लालची हो गए, उनको लगा कि बहुत बढ़िया मौका है एकदम दो तला से चार तला करे के, 10 बीघा से 50 बीघा कर देवे के, मने कमाई के बड़ा बढ़िया मौका आ गया। अब इसमें हुआ क्या कि बड़े व्यापारी में जब बात आ गई तो भाई व्यापारी लोग क्या किया कि अलग अलग ग्रामीण एरिया में गया। अब एक आदमी से थोड़ी ना वो कहेगा कि आप अनाज आप सॉरी कपास उगाइए हम आपके खरीदेंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग गांव के प्रमुख व्यक्ति से मिलने लगा बड़े बड़े व्यापारी दक्कन प्रदेशों के, और बड़े व्यापारी क्या कह रहे हैं अब साहूकारों लोग को कि साहूकार गांव में होता था तो गांव के लोगों को वो ऋण देता था, बदले में कुछ जब्त कर लेता था, ब्याज व्याज के लिए पहले से बॉन्ड तैयार करवा लेता था जिसमें खेतिहर जो लोग होते थे रैयत लोग होते थे उसके अंगूठे लगा लेते थे। तो इनसे क्या किया ना कि ये मिला, बात को समझेंगे यहां पे हम आपको कहना क्या चाहते हैं। मान लीजिए भारतीय व्यापारी है इधर गांव वाले हैं, तो गांव के कुछ लोग हैं जैसे ये साहूकार है तो ये साहूकार के अलग गांव में ये साहूकार है किसी गांव में ये साहूकार है किसी गांव में, और साहूकारों को कहा कि आप अपने इलाका में लोगों को क्या करिए तो कपास के उत्पादन करने में प्रोत्साहन करिए। कहेगा क्यों तो कपास का अब जो है मुहमांगा इनाम मिलने वाला है, ब्रिटेन में कपास जाएगा, ब्रिटेन में कपास की कमी हो गई है तो आप भी बहुत ज्यादा कमाएंगे। तो ये कहा कि ये सब उत्पादन नहीं करेगा, एकदम यहां के भारतीय किसान मरले मर गया है कहिए कैसे। तो अंग्रेज आज तक इतना पहले एकदम नीति लगा दिया है, एकदम आप लोग जाने थे आर्थिक नीति में काफी सारे नीति अलग अलग जगह पे कहीं रैयत बाड़ी तो कहीं महल बाड़ी तो कहीं अस्थाई बंदोबस्त, इस सब के कारण किसान लोग के जिंदगी जो था ना सब झंड हो गया था, एकदम इतना कंपनी लगान लगा लेता था कि इनकी स्थिति बेकार हो गया था। अब ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, इन्वेस्ट कर करके कपास के प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते थे। तो ये जब बात इनके समझ में आ गई ये व्यापारी को कि यहाँ के किसान लोग जो है उनके पास पैसे नहीं अधिक कपास के प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये क्या किया ये भारतीय बड़ा बड़ा जो व्यापारी था जो यहाँ पे ब्रिटेन से कंसल्ट किया हुआ था, ब्रिटेन में माल ले जाके बेचता, ये क्या किया कि ये साहूकारों को मनचाहा पैसा दे दिया, बहुत एडवांस में पैसा दे दिया, और साहूकार लोग को कहा कि तुम अपने अपने इलाका में लोगों को एडवांस पैसा दे दो, मांगे 2 रुपया दे दो 10 रुपया, मांगे 20 रुपया दे दो 50-100 रुपया, समझ रहे बात ना, एडवांस पैसा दो ताकि उनको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कोई दिक्कत ना हो, पैसे उनके पास हो और पैसे आएंगे तो तुम उनको प्रोत्साहित करो कि तुम कपास लगाओ, पैसे नहीं है चलो हम पैसे तुमको देते हैं और तुम्हारा कपास का व्यापार बड़ा बढ़िया होगा, व्यापारी लोग जो है उसको कैसे आप अपने गांव के इलाका को मनाइए। अब यही हुआ कि ये व्यापारी साहूकार को मनचाहा पैसा दे दिया, और इनके पास तो अपने पैसे लोगों को देना नहीं था, तो ये लोग क्या किया कि बड़े व्यापारियों के पैसे को ही किसानों को बहला फुसला करके कह दिया कि लो पैसे लो। अब ये क्या कह रहा है, एक गो किसान को ध्यान से सुनेंगे, 100-100 रुपये एडवांस दे रहा है उस समय के जमाना में। आप बताइए कि जब उस समय की अगर बात कर ले, अभी देखिए अभी हम बात कर ले तो ये बात आ रही है 1861 ईस्वी में कि अमेरिका में गृह युद्ध हो गया तो भैया अमेरिका ब्रिटेन को कपास चाहिए, और अभी हम बताएं अभी के 1868 में रिपोर्ट आ रहा है कि एक व्यक्ति का जो है वो प्रति व्यक्ति आए 1868 में 20 रुपया, यानी लगभग ठीक ठाक। अब बताइए 20 रुपया बहुत बड़ा रकम होता था, लेकिन उस समय में उगरी आना के हिसाब से आनों से नीचे के हिसाब से इंटरेस्ट चलता था। अब यहां पे क्या होता था कि 20 रुपये के जगह एक साहूकार एक किसानों को 100-100 रुपये एडवांस देने शुरू कर दिए। अब
₹100 जब एडवांस मिला तो एकदम यहाँ के किसान लोग एकदम गदगदा गया। किसान को एक बार फिर से लगा कि अबरी एकदम सूर्योदय हो रहा है, अबरी तो एकदम कृषि में इन्वेस्ट करना है, आका तो खूब ब्रिटेन में माल जाता है, खूब एकदम महंगा कपास बिकेगा। तो यहाँ के किसान जो है साहूकार लोग से कर्जा ले लेके खूब भरपूर मात्रा में जो है से कि उत्पादन किए। और कहते हैं कि ज्यादा समय भी नहीं लगा सर, मात्र एक साल के अंदर में देख सकते हैं भारतीय कितना मेहनती है कि एक साल में ये दक्कन जो एकदम कपास का उत्पादन तो होता था लेकिन बहुत ही कम, और यहाँ पर ये साहूकार को पैसे दिए, साहूकार एडवांस में ₹100 गाँव के लोगों के दे दिए, और जब गाँव के लोगों को पैसे मिले तो ये इतना बढ़िया मेहनत किया कि अब एक साल के बाद 1862 में ब्रिटेन में जो कपास अब पहुंचने लगा, ये याद रखेंगे ये ब्रिटेन में कपास केवल भारत से जो कपास जाता था ये इसका 90% था, याद रखेंगे। यानी ब्रिटेन के औद्योगिक क्षेत्रों में जो कपास का आयात किया जा रहा है उसमें से 90% जो कपास है वो कौन जुटा दे रहा है, तो केवल भारत जुटा दे रहा है, तो है ना ये बड़ी बात। चलिए अब यहां पर क्या हुआ, किसान भी धीरे 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 लोभियाई चल गए, उनको लगा कैसे आदमी गांव में एकदम प्याज लगाया, अब एक बार 50 रुपया लेके खूब बढ़िया से प्याज लगा दिया, अब पता चला कि 10 लाख के प्याज बिका तो 50,000 के सूद पर 76,000 अगर 1 लाख खोल होगा तो आराम से भरा जाएगा, तो इंटरेस्ट पर भी पैसा लेके आदमी प्याज लगा दिया। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे आदत बढ़ल चल गया कि बाप 1 लाख रुपया अगर इंटरेस्टो लेकर के लगाते हैं तो 10 लाख अगर इनकम हमको रिटर्न मिल जाता है, तो कपास में उसी हुआ, ये लोग साहूकार से पैसा कर्ज ले लेके और कपास लगाते गए, और कपास लगाते 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 इनके जो जगह थे वो अब अधिक अधिक मात्रा में ये लोग कपास का प्रोडक्शन करने लगे। तो भाई ब्रिटेन के तो उद्योग धंधा भी चल रहा है, साहूकार लोग का भी अपना धंधा चल रहा है, साहूकार को अपने पैसे देने नहीं है, बड़े बड़े व्यापारी साहूकार को दिए हैं, दिए हुए पैसे से ही साहूकार बैठ के इंटरेस्ट कमा रहा है। तो यहां पे ध्यान सुनेंगे सब मजे मजे में था, किसान को भी लगा कि चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अपने पैसे तो नहीं है, दूसरे के पैसे हैं, हाँ इंटरेस्ट लेगा, हम फसल का प्रोडक्शन करें तो उसका डिमांड भी ज्यादा है, अच्छी कीमतें मिल जाती है, अच्छा मुनाफा हो जाता है जिसमें हम साहूकार को भी दे देते हैं। अब ये आदत लग गया तो मान ली प्याज अब तू 4 कट्ठा में लगाया, 5 कट्ठा में लगाया, फिर धीरे धीरे लगाया बीघा में लगाया क्या, तो अब लाख से करोड़ों कमा लेंगे, 20-30 बीघा लगा दे का। और यही हाल हुआ कि धीरे धीरे बंगाल के क्षेत्र के जो किसान लोग थे अब ये लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने लगा। तो कहते हैं 73-74 आते आते अब यहां एक एक किसान भारी भरकम मात्रा में खेती करना शुरू कर दिया कपास का, क्योंकि अच्छा मुनाफा होता था, और ज्यादा मात्रा में खेती करने के लिए अब ये साहूकार से ज्यादा मात्रा में कर्ज भी लेना शुरू कर दिया। अब यहां एक चीज समझना है कि अब ये साहूकार लोग पे अब ध्यान से सुनेंगे, अब धीरे धीरे हुआ क्या कि 1865 वो दौर आ गया, ध्यान से सुनेंगे 1865, चलिए यहां लिख देते हैं कि 1865 में अब अमेरिका में गृह युद्ध हो गया सर जी खत्म। तो जब अमेरिका में गृह युद्ध खत्म हो गया तब ब्रिटेन कहा कि काहे ला इतना दूर आकर के कपास लेके जाएंगे, लगले एजा से जाएंगे, चूंकि जैसे गृह युद्ध खत्म हुआ तब ब्रिटेन बड़ा जोर शोर से फिर एक बार कपास का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। तब फिर एक बार ब्रिटेन का किया कि यहाँ के जितने व्यापारी थे उस सब जो है अमेरिका से कपास को खरीदना शुरू कर दिए, और इस दौरान भारतीय किसान को बड़ी झटका लगा कि जे एकदम अस्ता पस्ता के जे 10 कट्ठा से 10 बीघा पर आ गया होगा, या फिर जे 1 कट्ठा से 1 बीघा पर एकदम प्रोडक्शन कर रहा है कि अबरी तो कपास बेच के एकदम मालामाल हो जाएंगे, यहाँ एकदम बैठ कर कर के बड़ा बड़ा भारतीय व्यापारी एकदम दक्कन के इस मुस्कुरा रहा है कि अबरी तो एकदम कपास बेच बेच के एकदम हम बम बम है ब्रिटेन वाले से, आई सब खूब पैसा साहूकार को दे दिया, आ साहूकार खूब पैसा एडवांस में किसान लोग को दे दिया, एडवांस में एकदम पूरा एडवांस में देगा लेकिन वो पूरा लिखवा उखवा के अंगूठा अंगूठा लगा के एकदम तोरा देना है। अब ये लेते लेते एकदम सिस्टम क्या हुआ कि खाली ब्रिटेन इन्ने माहे मुड़ा व भारत में एकदम दिक्कत आ गया, बड़ा व्यापारी के सपना एकदम चूर हो गया, क्योंकि अब भारत से ब्रिटेन वाला कच्चा माल ले नहीं जाएगा, ये तो वही हाल हो गया कि सपना देख करके बचपन में पढ़े होंगे कि ई लेंगे वो लेंगे, बकरी लेंगे बकरी बेच के भैंस लेंगे, इसे इसे करेंगे, आप पैरवा से सपने थे एक बार घड़ी बज जाता है टूट, और टूटला के बाद अटबो कर जाता है ये, ठीक है। तो यही है कि भारतीय व्यापारी खूब बैठ कर करके एकदम मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा बड़ा सपना पा रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन खाली भारत से इधर मुड़ा व भारतीय व्यापारी को एकदम झटका लग गया।
अब साहूकार के कह रहा है कि चलो पैसा लाओ। बेचारा किसान लोग खूब कपास का प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन इतना कपास भारत में इतना भारी भरकम उद्योग धंधा है ये नहीं है, कहां खा पाओगे तुम, समझ रहे बात ना। तो कपास बेचारा जो उत्पादन किया वो तो एकदम हालत ओकरा खराब हो गया, और खराब होने से हुआ क्या, अब साहूकार लोग वसूली करना शुरू कर दिए कि भैया पहले से पैसा आप लिए हैं, चलिए पैसा लाई। धीरे धीरे कहते हैं कि यही जो खास करके 61 और 65 के बीच में, 61 और 65 के बीच में जितने भी इधर के दक्कन क्षेत्रों के किसान लोग कर्ज लिए थे साहूकारों से, अब उनकी राशि थोड़ा सा देखिए इधर 75 यानी 11-12 साल के आसपास में इनकी राशि बहुत ज्यादा हो गया था। आप इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई एगो के 100 रुपया के बार बार एग्रीमेंट बनवाता था, 2 साल के बनवाया, 3 साल के, तब फिर 2-3 साल हुआ, तब फिर कह दिया जमींदार बाबू 3 साल के बाद दे देवो, एकदम 3 साल 15 महीने एकदम टाइम दे, चाहे 2 साल 15 महीना, ऐसे ऐसे कर करके दोबारा तिबारा जो है वो बॉन्ड तैयार करवाता था। और फाइनली बॉन्ड तैयार नहीं कराए तो भाई साहूकार लोग भी एक्शन लेता था। और इस तरह से करते करते जो जो आदमी 100 रुपया ब्याज, 100 रुपया एडवांस पैसा लिया था, अब इतना से समझ सकते हैं कि 100 रुपया के एडवांस पे ये लोग खूब उलधन मुलधन जोड़ के, एकदम मिश्रधन जोड़ कर करके आज ब्याज साहूकार लोग 100 रुपया के 2000 रुपया से ज्यादा बना दिए। अब बताइए कि 100-100 रुपया के कर्जा लेवल 12 साल के बाद 2000 रुपया पार अगर चुकाना हो तो किसान लोग कहां से दे पाएगा। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी दिन प्रतिदिन लगान भी बढ़ा दी थी, इनकी हालत तो एकदम खराब थी, और कर्ज के जो ब्याज दर था ये बहुत ज्यादा हाई फाई था। अब आपको समझ में आ गया वो होगा कि अगर साहूकार लोग से किसान लोग क्या कर रहे, उनके घरों को जला रहे, तो इसके पीछे का रीजन क्या है। अब यही बात था कि फाइनली ये लोग कर्ज नहीं दे पाएगा तो ये साहूकारों को घरों को घेर लेगा, जैसा कि हम लोग अभी दक्कन विद्रोह में पड़े थे, और साहूकारों को घरों को घेर करके कहेगा कि हमारा जो करा पर अंगूठवा लगाए थे वो वाला लाइए जरी, हम जला देंगे, और नहीं दीजिएगा तो हमारा आपका घर वो जला देंगे। तो बेचारा साहूकार लोग के जब जान पे आफत आ जाएगा तो घर छोड़ के भागेगा, और किसान लोग इनका ही लूटपाट, अनाज उनाज लूटेगा, कपड़ा उपड़ा जलाएगा, खाता बही जला देगा। तो फाइनली ये है आपका दक्कन विद्रोह। कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ चीजें समझना है। एक बात और आपको समझ में आ जाना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद फिर भी यहाँ की जो सरकार थी, बंबई सरकार कोई एक्शन बहुत ज्यादा नहीं ले रही थी, क्या है नहीं है कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी भारत की सरकार को एक बात याद आता है, चूंकि इससे पहले 1857 होगा, हालांकि अगले चैप्टर में पढ़ना है, इसको पहले ही जोड़ दिया गया आपके चैप्टर में, लेकिन फिर भी समझ लेंगे। 1857 की याद रखेंगे, बड़ी ताजा था, अंग्रेज था कि कितना एकदम जगह जगह से खरीद दिया था, अंग्रेजों को बोरिया बिस्तर बांधने पे भारतीय मजबूर कर दिया था, लगा कि अब यहां, उसी में हम लोग देखेंगे कि एक विदेशी है उसका कहना है कि अंग्रेज ताश के किले की तरह एकदम बिखर गए थे, समझ रहे बात ना। तो इस तरह के यादें 1857 में हो गई थी, तो लगा कि भाई इसमें जांच उच बैठाया जाए, क्या है नहीं है इन लोगों को जो गुस्सा, चूंकि दक्कन विद्रोह होगा 75 में और ये 1857 की ही युद्ध पहले हो गई थी, तो लगा कि कहीं ना कहीं विद्रोह और ना हो जाए, इसीलिए फाइनली यहां भारत सरकार से दबाव बनता है, और दबाव के बाद रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं, और यही रिपोर्ट जो 1878 ईस्वी में याद रखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किए जाते हैं, और इस रिपोर्ट को कहते हैं दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट, याद रखेंगे दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट। तो कहेगा दक्कन का दंगा कब हुआ था, तो मई 1875 में 1875 याद रखेंगे। चलिए अब दक्कन दंगा रिपोर्ट कब पेश किया गया, तो ये है 1878 में। तो दक्कन से इतना ज्यादा सवाल नहीं आएंगे, जिनको और भी डीप पढ़ना है, हम यहाँ पे वीडियो का सेशन ज्यादा हो गया था इसीलिए शॉर्ट वे में समझाए हैं, और भी जिनको डीप पढ़ना है थोड़ा एनसीईआरटी देख लीजिए, कुछ कुछ जो फैक्ट्स होते हैं कि कितना से कितना परसेंट लगान में इंटरेस्ट बढ़ा, यही सब कुछ कहानियां है और वो आपके बुक में है, और भी पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ लीजिएगा। अब ये आपका फाइनली कंप्लीट 10वां का जो चैप्टर था, ये 10वीं चैप्टर इतिहास का, ये खत्म हुआ आपका, और अगले दिन 11वीं चैप्टर को शुरू किया जाएगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिए, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।